नेपाल में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के दृष्टिगत सीमा सील पगडंडी रास्तों पर भारत और नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पेट्रोलिंग। पड़ोसी मुल्क नेपाल में 20 नवंबर को होने वाले आम चुनाव को लेकर जहां एक तरफ पब्लिक मूवमेंट्स के लिए भारत नेपाल की सीमा को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, तो वहीं चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी पैदा ना हो, इसको देखते हुए भारत और नेपाल के जवानों के द्वारा पगडंडी रास्तों पर पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही साथ सीमा से सटे घूम रहे लोगों की जांच कर परिचय पत्र देखकर सीमा पर बिना वजह ना घूमने की हिदायत भी दी जा रही है। नेपाल में चुनाव को देखते हुए आवश्यक एवं इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह के आवागमन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। चुनाव संपन्न होने के बाद बॉर्डर फिर से सामान्य रूप से खोला जाएगा। नेपाल में चुनाव के मद्देनजर सीमा पर तैनात पुलिस एवं SSB सभी आने जाने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। CCTV, डॉग स्क्वाड एवं सुरक्षा जांच उपकरणों के माध्यम से कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि मित्र राष्ट्र नेपाल में चुनाव सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। नेपाल सशक्त बल के SP गगन श्रेष्ठ ने बताया कि नेपाल में चुनाव के मद्देनजर नेपाल और भारत के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के दृष्टिगत 72 घंटे तक बॉर्डर को सील किया जाएगा। बॉर्डर सील होने के दौरान इमरजेंसी सेवाओं के लिए तहसील प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। सुरक्षा को लेकर सभी एजेंसियां कार्ययोजना बनाकर काम कर रही हैं। महाराजगंज से शत्रुंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। धन्यवाद। अभी नेपाल में जो हमारा प्रतिनिधि सभा या आवधिक निर्वाचन हो रहा है, इसके लिए दोनों देश का पदाधिकारी DM साहब और हमारा इधर CDO साहब लेवल का अने जिला का सुरक्षा निकाय का फॉर्मल मीटिंग हो चुका है। जो 20 नवंबर में हमारा चुनाव है, निर्वाचन है, उसके लिए 18 नवंबर से 20 नवंबर तक 72 आवर्स बॉर्डर सील करने का जो दोनों देश के बीच फॉर्मल एग्रीमेंट हो चुका है। तो औपचारिक नाका ये सुनोली बॉर्डर जो है, इसके बाद जो दुना छोटा नाका है इधर भगवानपुर और ककड़वा बॉर्डर, वो भी सब बंद हो चुका है। तब भी हम देख रहे हैं कोई बॉर्डर में कोई ऐसा जरूरी कोई प्रॉब्लम है क्या है, इस निगरानी के टाइम में अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ। बॉर्डर बहुत सारे बॉर्डर देख के अभी यहाँ आ चुके हैं। अगर दोनों देश के बीच हमारा जो आने जाने जो रास्ते में कोई मेडिकल इमरजेंसी है वो देखने के समन्वय कोऑर्डिनेशन के लिए हम यहाँ आ चुके हैं। अगर कोई जो नेसेसिटी गुड्स होता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, इसके लिए भी कोई कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, इसके लिए भी हम समन्वय करेंगे। अगर बॉर्डर में कोई ऐसा कोई इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम है तो इसके भी हम प्रॉब्लम समन्वय करेंगे, लेकिन हाई अलर्ट में सिक्योरिटी चेक जांच करने के लिए करके हम दोनों देश के बीच सिक्योरिटी चेक जांच करके हम ये समन्वय करेंगे। और ठीक है, आपके देश से सशस्त्र सीमा बल आपके अधिकारियों जो हमारे निर्वाचन के लिए बहुत कुछ सहयोग कर रहे, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद।